हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। और ये प्रॉब्लम आप में से किसी एक व्यूअर का है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक एक्सेल फाइल को या फिर एक्सेल के सेपरेटली एक सीट को आप बैकअप के तौर पर ऑटो सेव कर सकते हैं। तो ये किस तरह से आप करेंगे, मैं पूरे वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कोड के साथ, ठीक है। और आज के इस वीडियो का टाइटल है ऑटोमेटिक बैकअप, ओके। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल रिलेटेड फॉर्मेट, गेम्स और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कराता हूं, जिसे अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है। आप वहां से उन फाइलों को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ये मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है। जो व्यूअर है, उन्होंने जैसा बताया मुझे कि उनको डेली रिपोर्टिंग करना होता है, ओके। तो उस रिपोर्टिंग का एक डेमो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है, आप देख पा रहे, डेमो फॉर्मेट है, ठीक है। इसका मैं एक बार प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये एक रिपोर्टिंग रिपोर्ट है, ओके। पर डे रिपोर्टिंग उनको करना होता है और पर डे रिपोर्टिंग करने के बाद उनको ये सीट, पर्टिकुलर इस सीट को डेस्कटॉप पे सेव करना होता है, ओके। डेस्कटॉप पे वो सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए वो यहाँ पे डेली रिपोर्ट, ओके, सेलेक्ट करके उसे वो सेव करते हैं। तो इस तरह से वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव करके फिर इस फाइल को वो मेल करते हैं, और ये जो वर्क है वो उनका डेली बेस पे, यानी डेली उनको इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने एक्चुअली, वो व्यूअर जो है वो मेरे ही शहर से हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन पे मुझे एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बताया था उनको कि हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कोड लिख के दे सकता हूँ। तो मैंने उनको ये कोड व्हाट्सअप किया था और मैं आपको आज बताऊँगा कि किस तरह से आप किसी फाइल को या फिर आप किसी सेपरेटली एक सीट को बैकअप के तौर पे ऑटो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देखिए किस तरह से मैं करूँगा। तो मैं इस फाइल को पहले क्लोज करता हूँ और एक दूसरी फाइल है, आप देखेंगे कि सेम फाइल है, लेकिन इस फाइल का जो फॉर्मेट है वो XLSM फॉर्मेट पे मैंने सेव किया है, जिस पे मैं अब VBA कोडिंग मैंने इस पे किया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे पहले ऑप्शन को इनेबल करना होगा ताकि VBA जो कोडिंग बैकहेंड में किया गया वो एक्टिव मोड में आ जाए, ठीक है। और जो मैंने थोड़ा देर पहले जो मैनुअल वर्क मैंने किया था, उसे मैं अब एक क्लिक में मैं ऑटो सेव करूँगा। तो यहाँ टॉप में एक सेव देख पा रहे हैं, फेस है, इस पर मैक्रो असाइन किया गया है, ओके। अब मैं इसे क्लिक करूँगा। क्लिक मैंने जैसे ही किया तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे एक फाइल, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फाइल आपका ऑटो सेव हो चुका है विथ डेट के साथ। यहाँ आप देख पाएंगे कि डेली रिपोर्ट और आपका जो डेट है 15 जनवरी 2023, जो कि आज का डेट है, उस डेट के साथ ये फाइल ऑटो सेव हो गया है और ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ है। अभी मैंने जो लोकेशन दिया है वो डेस्कटॉप का दिया है, इस वजह से ये फाइल अभी डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, ओके। और इस सिंपल से वर्क को आप किस तरह से कम लाइन में, कोड ऑफ लाइन जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो कम से कम लाइन में आप किस तरह से आप लिखेंगे वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं इसे कट करता हूँ और ऑल्ट एफ 11 प्रेस करके मैं VBA विंडो ओपन कर लूँगा, जिसमें मैं एक मॉड्यूल को इंसर्ट करूँगा। और आप देखेंगे कि एक पेज ओपन हो गया है जिसमें मैं अब VBA कोडिंग के कुछ लाइन लिखूँगा, ठीक है। वो क्या लिखूँगा अब आप देखिए। सबसे पहले तो आपको सब रूटीन से स्टार्ट करना होगा, ओके। और मैं एक टाइटल दे देता हूँ, मैं एक टाइटल देता हूँ बैकअप, ओके, क्योंकि हम ऑटो सेव करना चाहते हैं और उस फाइल को मैं एक बैकअप के तौर पर रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने टाइटल दे दिया बैकअप, ठीक है। और अब मैं लाइन लिखूँगा एक्टिव वर्कबुक
हो रहा है, एक्टिव वर्ब डॉट सेव एज, सेव एज सेव एज ना करके मैं इसे सेव कॉपी एज करूंगा, ठीक है, सेव कॉपी एज करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे मैं, आप ध्यान दीजिएगा कि सेव कॉपी एज जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे फाइल नेम लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि मैं फाइल नेम लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं उस फाइल को जहाँ, जिस लोकेशन में मैं सेव करके रखना चाहता हूँ, उस लोकेशन का मैं पाथ लूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अब पाथ लिखूंगा, ठीक। पाथ कहाँ से मिलेगा दोस्तों, इस फाइल को मैं मिनिमाइज करता हूँ और हम जाएंगे माई कंप्यूटर में और आप देखेंगे टॉप में एक एड्रेस बार दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उस फाइल को, मान लीजिए कि मैं एफ ड्राइव के अंदर डेली रिपोर्टिंग नाम से एक फोल्डर है, उस पर मैं सेव करना चाहता हूँ। तो आप टॉप में देखिए एड्रेस बार में, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपका जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है, देखिए एफ ड्राइव के अंदर डेली रिपोर्टिंग फोल्डर। तो इसे मैं कॉपी करूँगा और इसे क्लोज करता हूँ और एक्सेल फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, और उस पाथ को यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, वो पाथ आपका F/Daily Reporting, ये आपका जो पाथ है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जो फाइल का नाम हो वो डेली रिपोर्ट नाम से सेव हो, और प्लस आपको .xls यानी कि ये आपका जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो फॉर्मेट आपको वहाँ इंडिकेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट जो .xls फॉर्मेट है, मैं उस फॉर्मेट में इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं जो अपना एक्सेल फाइल है यहाँ पे मैं एक सेव इंसर्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक सेव ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक फेस ले लिया। ओके, इस फेस को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, कलर मज़ा नहीं आ रहा है, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके, ठीक है, और इस पे मैं उस मैक्रो को असाइन करूँगा। मैंने क्लिक किया और मेरा जो मैक्रो था वो सेकेंड था, मॉड्यूल 2 में था, ठीक है, वो मॉड्यूल 2 में था और वो मैक्रो मैंने इस शेप में असाइन कर दिया है। और अब हम इसे क्लिक करेंगे, मैं इसे अब क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं आपको दिखा दूँ कि आपका जो फाइल है वो माई कंप्यूटर के अंदर एफ ड्राइव में डेली रिपोर्टिंग के अंदर, अब ध्यान दीजिए एक एक्सेल फाइल डेली रिपोर्टिंग नाम से आपका सेव हो चुका है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, डेटा सेम है दोस्तों और ये फाइल आपका ऑटो सेव हो चुका है आपका डेली रिपोर्टिंग फोल्डर के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस डेली रिपोर्टिंग नाम से तो आपके बहुत सारे फाइल्स विजिबल होंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस पर एक डेट भी इंडिकेट करना चाहता हूँ कि डेली रिपोर्टिंग प्लस आप एक डेट भी उसमें ऐड हो जाए, ताकि मुझे देखने में आसानी हो, सर्च करने में आसानी हो कि ये फाइल कौन से डेट में सेव हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए भी एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इस कोड में थोड़ा सा चेंज करूँगा। चेंज क्या करूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे जैसे डेली रिपोर्ट तक तो ठीक है, ठीक है, डबल कोट को मैं यहाँ लगाता हूँ और एंड साइन करके मैं अब डेट ऐड करूंगा इसमें। डेट ऐड कैसे करूंगा, जैसे फॉर्मेट मैं लूंगा और नाउ, नाउ से हमारा क्या आएगा, एट प्रेजेंट करेंट सिस्टम टाइमिंग और डेट आएगा, ठीक है। उस करेंट सिस्टम और टाइमिंग डेट से मैं फॉर्मेटिंग बेस पे सिर्फ डेट पिक करूंगा। कैसे पिक करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा के कोट के अंदर मैं DD यानी डे के 2 डिजिट और आपका मंथ के 2 डिजिट और ईयर के 2 डिजिट बेस पे मैं इस फॉर्मेट में उस फाइल नेम के साथ उस डेट को ऐड करके मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है, एंड के साथ ये एंड आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एंड और कोलन, डबल कोट ऐड होगा, ठीक है। अब मैं
इसे सेव करके दोबारा मैं इस सेव पे क्लिक करूँगा। ओके, मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वो फाइल सेव हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों, वो फाइल सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए फाइल नेम डेली रिपोर्ट प्लस आपका डेट जो है 15/01/23 यानी 15 जनवरी 23 जो कि आज का डेट है, साथ में वो डेट ऐड होने के बाद वो नाम सेव हो चुका है। ठीक, लेकिन दोस्तों ये जो कोड है आपका, इस कोड के थ्रू आपका पूरा फाइल सेव हो जा रहा है, मतलब ये पूरे वर्कबुक जो है वो पूरा वर्कबुक आपका सेव हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे तो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ ये सीट को मुझे सेव करना है। ठीक है, तो उस सीट को बस सेव करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे मैं ऊपर एक लाइन ऐड करूँगा, वो रहेगा एक्टिव सीट डॉट कॉपी। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने पहला लाइन उसमें क्या ऐड किया है, एक्टिव सीट डॉट कॉपी, यानी जो एक्टिव सीट है उसकी कॉपी क्रिएट होगा। ठीक है, कॉपी क्रिएट होने के बाद वो जो कॉपी क्रिएट होगा वो कॉपी आपका सेव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले वो इस सीट का जो एक्टिव सीट रहेगा उसका एक कॉपी क्रिएट होगा जो कि एक्टिव रहेगा, एक्टिव स्क्रीन रहेगा, और वो फाइल आपका सेव होगा। तो इसे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे मैं क्लिक करता हूँ और अब देखते हैं कि यहाँ पे वो फाइल पर्टिकुलर, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि सेपरेटली जो कलेक्शन रिपोर्ट नाम से जो सीट है वो सीट ही आपका इस फाइल में सेव हो गया है। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। ओके, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि जो आपका एक्टिव सीट है, यहाँ ध्यान दीजिए कि दो फाइल ओपन है, एक एक्टिव, एक बुक टू नाम से है और एक ऑलरेडी जिस फाइल में डेली रिपोर्ट जो कि जिस फाइल में हमें वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो जो फाइल आपका एक्टिव सीट है वो अभी भी स्क्रीन पे ओपन है। ठीक है, तो मुझे इसे क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, मैं एक और लाइन इस पे ऐड करूँगा, वो रहेगा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड करूँगा, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, यानी कि जो एक्टिव वर्क बुक है वो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बुक टू को क्लोज करता हूँ बिना सेव का। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल फाइल है उस फाइल में मैं आ गया हूँ। अब मैं इसे दोबारा से क्लिक करता हूँ, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड टू बुक थ्री। ध्यान दीजिए दोस्तों, यू मेड टू बुक थ्री के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि जो मैंने थर्ड लाइन उस वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कहा था, वो थर्ड लाइन आपका जो वर्कबुक थ्री, आपका जो एक्टिव वर्कबुक है वो फाइल को क्लोज करने के लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मैसेज भी नहीं आए, वो डायरेक्ट इसे क्लोज कर दे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे मैं दोबारा बिना सेव का मैं क्लोज करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोज के बाद मैं फॉल्स का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि वो मैसेज को वो क्लोज कर देगा, वो मैसेज को वो नो कर देगा। ओके, तो इसे मैं सेव करता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब फिर से मैं इसे क्लिक करता हूँ, अब हम देखेंगे कि जो एक्टिव वर्कबुक है वो हमारी ही जो एक्चुअल जो फाइल है, जो डेली रिपोर्टिंग वाली फाइल है, वही फाइल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हमारा एक्टिव सीट है उसकी मैंने कॉपी क्रिएट किया और उस कॉपी को मैं ये यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एप ड्राइव में विथ डेट के साथ, और फॉर्मेट क्या रहेगा मेरा, XLS फॉर्मेट में मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और देन थर्ड लाइन के थ्रू मेरा जो एक्टिव वर्कबुक है जो कि एक विदाउट सेव जो वर्कबुक था, उस वर्कबुक को मैं क्लोज कर रहा हूँ बिना सेव का। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉल्स दिया है, जो कि मैसेज जो आ रहा था डू यू वांट टू सेव
दिस फाइल और नॉट, तो उसके लिए जो फॉल्स कोड इस्तेमाल होगा वो नो के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए वो नो के बाद वो मैसेज भी आपका क्लोज हो जाएगा, फाइल भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन तीन लाइन के इस्तेमाल करके आप अपने एक्टिव सीट को, जो कि पर्टिकुलर सीट है, उसको आप बैकअप के तौर पर आप अपने टारगेट, अपना जो ड्राइव है वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, डेली बेस पे। और इसे सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेव का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैंने मैक्रो को, उस मैक्रो को असाइन किया है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटो सेव हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो फाइल है वो बिना क्लिक का भी सेव हो, तो वो कैसे होगा, वो भी पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर इस सीट पे राइट क्लिक करूँगा और व्यू कोड पे आऊँगा, तो अब मैं जो कोड लिखूँगा वो पर्टिकुलर सीट में लिखूँगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों हम जो वीवीए कोडिंग करते हैं वो या तो पर्टिकुलर सीट के अंदर कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम उसे, हम कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मॉड्यूल के थ्रू मैंने उस कोड को, मैंने बैकअप टाइटल के बेस पे मैंने तीन लाइन को मैंने लिखा है, और उस बैकअप जो अपना कोड है उसे मैं अब कॉल करूँगा सेपरेटली इस सीट टू पे, ठीक है। कैसे मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं वर्कशीट सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्कशीट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, जो कि आपका जैसे कि एक्टिवेट हुआ है बिफोर डबल क्लिक, यानी कि डबल क्लिक आप जब करेंगे उससे पहले ही आपका ये कोड रन हो जाएगा, यानी कि आपका कोड रन करने के लिए ये सब ऑप्शन आपका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें से जो ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा वो चेंज का इस्तेमाल करूँगा, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं ये रिपोर्ट तैयार करूँगा तो वो डेटा आप चेंज करोगे, और जैसे ही डेटा चेंज करोगे आपका फाइल जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं वर्कशीट चेंज फंक्शन का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मैं उसे बैकअप को मैं कॉल करूँगा, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है बैकअप के, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही मैं इस स्क्रीन पे कोई भी डेटा चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिक सेव होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यानी कि बैकअप नाम से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। रुकिए, बैकअप वन कर देता हूँ, इसे बैकअप वन कर देता हूँ इसे, क्योंकि बैकअप नाम से मॉड्यूल वन में भी आपका कोड लिखा हुआ है, इसलिए हो सकता है वो एरर आ रहा हो। तो अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फाइल है वो अब ऑटो सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फाइल दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिखा है, और जो फाइल सेव हुआ है उस फाइल को भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यस करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वो फाइल भी मेरा ओपन हो गया, और यहाँ पे जो मेरा लास्ट जो मैंने चेंज किया था उस चेंज के अकॉर्डिंगली वो फाइल सेव हो चुका है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, जैसे मैं नो करता हूँ, जो फाइल अभी ओपन हुआ है, यहाँ पे मैं 1000 लिखता हूँ, ओके। और जैसे ही मैंने 1000 लिखा, आपका जो सीट है थोड़ा, आपका सीट जो है आपका चेंज हुआ, चेंज होने की वजह से आपका वो कोड रन हुआ, रन हो के आपका जो फाइल है वो ऑटो सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल यस मैं करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि वो फाइल ओपन हुआ, और ये जो बैकअप वाली फाइल है वहाँ पे देखिए आपका डेटा जो ऑटो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप फाइल का एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एप ड्राइव में बैकअप फोल्डर के लिए मैंने डेली रिपोर्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है, और उस फोल्डर के अंदर में उस फाइलों को मैं सेव कर रहा हूँ विद डेट के साथ। तो आप भी इस तरह से ऑटो सेव अपने फाइलों को बिना किसी क्लिक के या ऑटो सेव आप कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप पूरे फाइल को या फिर सेपरेट शीट को आप बैकअप के तौर पे सेव कर सकते हैं, ऑटो सेव कर सकते हैं। और अगर आप भी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैं आपको दूं, तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन आए और भी इस तरह के वीडियोस बनाने का, और मेरे जो वीडियोस है आप तक और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों आप खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।